हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज सीखेंगे कि क्या सी लैंग्वेज एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होती है या नहीं। तो आइए जानते हैं। यस, सी इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। ये सी लैंग्वेज का एक फीचर है कि सी लैंग्वेज को एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्बेडेड का मीन क्या है यहां पर? एम्बेडेड मीन्स समथिंग विच इज अटैच्ड टू अनदर थिंग, कोई ऐसी चीज जो कि किसी दूसरी चीज के साथ अटैच्ड हो, इसको एम्बेडेड कहा जाता है। और सिस्टम किसे कहा जाता है? सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स। सिस्टम इंटररिलेटेड पार्ट्स का सेट है जहां पे सभी पार्ट्स को एक साथ में कनेक्ट किया होता है और सभी पार्ट्स कनेक्ट होकर एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करते हैं। तो जाना आपने एम्बेडेड का मीनिंग क्या है और सिस्टम किसे कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। एम्बेडेड सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम को किसी भी लार्जर सिस्टम के साथ अटैच किया जा सकता है स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए। इसी तरह एम्बेडेड सिस्टम जो है वो डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है। एम्बेडेड सिस्टम को प्रोग्राम किया जा सकता है एम्बेडेड सी लैंग्वेज यूज करके, सी प्लस प्लस यूज करके, जावा यूज करके और पाइथन यूज करके एम्बेडेड सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसी तरह से एम्बेडेड सिस्टम को अलग अलग डिवाइसेस के साथ अटैच किया जा सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स के साथ, वॉचेस, कार्स, टू मेक देम स्मार्टर। तो इस तरह से ये डिवाइसेस जो हैं स्मार्टर हो जाते हैं। तो आपने जाना कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, वर्क इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, बड़े सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं और ये डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है और एम्बेडेड सिस्टम को प्रोग्राम भी किया जा सकता है एम्बेडेड सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा पाइथन के साथ, और एम्बेडेड सिस्टम को अलग अलग डिवाइसेस के साथ भी अटैच किया जा सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स के साथ, वॉचेस के साथ, कार्स के साथ। इस तरह से ये डिवाइसेस जो हैं और भी स्मार्टर हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स हैं एम्बेडेड सिस्टम की, जैसे कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम जो है ये आउटपुट प्रोवाइड करता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, इसको फिक्स टाइम में आउटपुट देना होता है। और रियल टाइम सिस्टम कहां पे इस्तेमाल होते हैं? रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स आर यूज्ड इन डिफेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के सेक्टर्स में भी रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम्स भी होते हैं। स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम ये इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, ये वर्क कर सकते हैं देमसेल्व्स। क्या कर सकते हैं? दे कैन वर्क बाय देमसेल्व, ये अपने आप ही वर्क कर सकते हैं। दीज एम्बेडेड सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन ए होस्ट सिस्टम, ये किसी होस्ट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये वर्क खुद कर सकते हैं। और दीज टेक इनपुट इन डिजिटल और एनालॉग फॉर्म, और ये एम्बेडेड सिस्टम जो इनपुट है ये डिजिटल वाला इनपुट भी ले सकते हैं और एनालॉग फॉर्म में भी इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट देते हैं। एग्जाम्पल हो गई M3 प्लेयर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, कैलकुलेटर, ये जो है ये स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क्ड एम्बेडेड सिस्टम्स।
ये सिस्टम जो है ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। इनको वायर के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है और विदाउट वायर भी इनको कनेक्ट किया जा सकता है नेटवर्क के साथ, और ये आउटपुट प्रोवाइड करते हैं अटैच्ड डिवाइसेस को। जिस भी डिवाइस के साथ इनको जोड़ा जाएगा उसको ये आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे होम सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, एटीएम मशीन्स हो गई, कार्ड स्वाइप मशीन्स हो गई, ये सारे के सारे जो हैं ये नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स। मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स क्या हैं? ये स्मॉल हैं और इनको इस्तेमाल करना आसान है और इनको कम रिसोर्सेस चाहिए। एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरास। तो ये आज के सेशन में आपने जाना कि क्या सी लैंग्वेज जो है वो एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होती है। आंसर है यस, हाँ सी लैंग्वेज एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होती है। ये सी का एक फीचर है, सी लैंग्वेज का फीचर आपने जाना और एम्बेडेड सिस्टम के बारे में आज जाना। तो आज के सेशन में इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। और सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।